नमस्कार बच्चों, एसआरबी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों के पहला क्वेश्चन हमें इसमें दे रखा है शो रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसमें एक तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है बच्चों, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो नीचे लिख रखा है मैंने आपके सामने कि शो रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, मतलब आपको रूट 3 और रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे लोकेट करके दिखाना है, मतलब बना के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके पास रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, तो आप क्या लिख सकते हो रूट 5 को, आप रूट 5 को बच्चों देखो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो आप, रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखो 2 का स्क्वायर करो तो 4 और 1 का स्क्वायर करो 1, तो 4 1 कितना हो गया 5, तो 5 तो हमारे पास था ही। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखो ये क्या है, बेस होगा, ये क्या है, बेस है, आपको डायग्राम बनाना है ये बेस, और ये क्या रखोगे आप परपेंडिकुलर, क्या रखोगे परपेंडिकुलर। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे स्केल की हेल्प से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं बच्चों, जैसे हमने बच्चों एक लाइन खींची है स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है बच्चों, ऐसे हमने एक लाइन खींच दी। अब हम क्या करेंगे उनको देखो बच्चों, ऐसे पॉइंट में ड्रॉ कर देंगे, मतलब इन चीज में जो होते हैं वो आप इसमें क्या कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए यो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इतने करने के बाद में आपको क्या करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास जो इसमें डायग्राम दे रखा है आप उसमें चले जाओ डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम के अंदर बच्चों देखो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट मान लिया 0, ये मान लिया -1, ये मान लिया -2, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद में आपको बेस क्या बनाना था बच्चों, 2 बनाना था, क्या बनाना था 2, तो बेस 2 पे आ जाओ, किस पे आ जाओ 2 पे। तो बेस 2 पे आप क्या करोगे बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम 2 पॉइंट पे क्या कर देंगे, सबसे पहले एक आर्क 180 डिग्री की आर्क खींचेंगे हम, ये हमने 180 डिग्री की आर्क बच्चों सबसे पहले लगा ली। अब इस आर्क करने के बाद आप क्या करना है बच्चों, आप इसको आर्क को क्या करोगे बच्चों, बाइसेक्ट करोगे, मतलब आपको 2 पॉइंट पे 90 डिग्री की एक लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है सीधी। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट रख के हमने एक आर्क लगाई, और अब हम इस आर्क पे रख के उस आर्क को क्या कर रहे हैं, उस आर्क को हम काट रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे वो आर्क कट करेगी हम उसको क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से पॉइंट 2 से मिला देंगे। पॉइंट 2 से मिलाने के बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, हमें कहा था कि 2 बेस लेना है, तो 2 तो बेस हमने ले लिया, लेकिन हाइट हमें कहा था 1 लेनी है, कितनी लेनी है 1, तो आप ध्यान से देखो हाइट हमें कितनी लेनी है 1 लेनी है। ठीक है, तो हाइट 1 लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे स्केल से 1 डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, जैसे हमने इन चीज में गैप लिया था वैसे हम इन चीज में 1 इंच, मतलब 1 सेंटीमीटर के समथिंग हमने ये इस प्रकार को माप लिया है। और अब हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट पे रखी उस लाइन को क्या कर देते हैं, 2 पॉइंट पे रखे, देखो 2 पॉइंट रखा और उस लाइन को क्या कर दो, कट कर दो। तो जहां से हमारा लाइन को हमने कट किया है आप उस पॉइंट को 0 से मिला दो, किससे मिला दो, 0 से मिला दो। ठीक है, ये मिला दिया हमने 0 से, तो बच्चों ध्यान से देखो ये आपका क्या है, नीचे 2 बेस है, ठीक है, ये हमारी हाइट 1 है, और बच्चों ये हमारा रूट 5। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद में बच्चों आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान है, इससे आगे आपको रूट 5 को इस नंबर लाइन पे करके दिखाना था, ये नंबर लाइन हमारी, ये क्या हमारी नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे आपको रूट 5 बताना है कि कहां पे आएगा। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो और देखो आप बच्चों, अब आप क्या करोगे बच्चों, प्रकार से 0 पॉइंट पर रख के रूट 5, मतलब रूट 5 की डिस्टेंस को आप क्या कर लो, लेंथ को मेजर कर लो, रूट 5 की लेंथ यही है ना, सभी को दिख रही होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, 0 पे रख के, जहां पे 0 पे तो रखा था हमारे पास, 0 पे रख के जो नंबर लाइन है उसको क्या कर दो, कट कर दो, क्या कर दो, कट। तो जहां पे नंबर लाइन कट हो रही है बच्चों वही पॉइंट आपका क्या है, रूट 5, क्या बच्चों,
रूट फाइव। तो आपको यही बताना था कि रूट फाइव नंबर लाइन पे लोकेट करके दिखाना था बच्चों, हमने कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि हमें क्या करना है, शो रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। तो रूट थ्री को नंबर लाइन पे शो करना है। तो बच्चों आ जाइए, रूट थ्री को आप बच्चों क्या लिख सकते हो, रूट थ्री इज इक्वल टू स्केयर रूट टू का स्केयर प्लस वन का स्केयर। आप स्केयर रूट टू का स्केयर करोगे तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, टू बचेगा। यहाँ पे वन का स्केयर करोगे तो बच्चों वन, और टू और वन बच्चों कितना होता है, थ्री होता है, सभी बच्चों को पता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थ्री आ गया, ठीक है। लेकिन बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट टू को अलग सोल्व करते हैं। तो रूट टू को अलग सोल्व कैसे करोगे, सभी बच्चों ध्यान से देखो। आप स्केयर रूट रूट टू कब आ सकता है, जब वन का स्केयर करोगे प्लस में वन का स्केयर करोगे, तो वन और वन कितना हो गया टू, तो रूट टू आ गया। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले हम रूट टू के लिए लाइन पे, रूट टू को लाइन पे ड्रॉ करेंगे। रूट टू को लाइन पे ड्रॉ करने के बाद में हम रूट थ्री को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, वही हमारा तरीका कि हम स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम। ये हमने स्ट्रेट लाइन बच्चों देखो आप सभी देख सकते हो, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है आपके सामने। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो इसके जो पॉइंट है ना, वो आप इंचीज में जो हमने ली थे वही लेंगे। आप इसको थोड़ा दिखा दीजिए पॉइंट की, हमारे पास कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करने की बच्चों आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब बच्चों वही बात है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो यहाँ पे बच्चों, वन यहाँ पे, टू यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, माइनस वन यहाँ पे, माइनस टू यहाँ पे, माइनस थ्री। बच्चों इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, बहुत आसान है बच्चों, आपको वन बेस बनाना है। तो वन बेस कैसे बनेगा, वन पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों। तो वन पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम प्रकार से करते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, वन पॉइंट पे हमने प्रकार को रख के क्या लगा दी, एक आर्क लगा दी ऐसे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे रख के हम उस आर्क को कट कर देंगे। ये हमने कर दी। अब इस तरीके से आप इस पॉइंट पे रखोगे, उस आर्क को आपने कट कर दिया। अब बच्चों आपने इन जो दो कट लाइन पे रख के हमारे पास एक आर्क और लगाई, एक अनदर आर्क लगा दिया आपने बच्चों। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे रख के क्या करोगे, उस अनदर आर्क को कट कर दोगे। क्या कर दोगे, कट कर दोगे इस तरीके से। तो बच्चों देखो हमने अनुदर आर्क को ऐसे ही कट किया है। ठीक है बच्चों, अनुदर आर्क को कट करने के बाद में बच्चों आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से उसको क्या कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट मिला दो। ठीक है आपस में, तो देखो बच्चों हम अब इसको मिला देते हैं, इस जो हमने आर्क परपेंडिकुलर आर्क ड्रॉ की थी उसको हम वन पॉइंट से मिला देते हैं बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना। ठीक है बच्चों, अब यहां तक करने के बाद में बच्चों आपको क्या बोला था कि वन क्या रखना है, बेस। बिकॉज ये यहां पे वन क्या था, बेस, और यहां पे ये वन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो वन परपेंडिकुलर आपको मतलब आप क्या करना है, परपेंडिकुलर भी वन लेना है। तो आप क्या करोगे, वही तरीका कि अब हमारा क्या करो, प्रकार को आप क्या कर लीजिए, खोल लीजिए, और आप जो हमने वन सेंटीमीटर लिया था, वन ही सेंटीमीटर आपने क्या कर दिया, इसको लेंथ को मेजर कर लिया। देख सकते हो आप बिल्कुल, मैंने वन ही लिया आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहाँ पर रखा और ये पॉइंट ये देखो बिल्कुल। ठीक है, अब आप क्या करो, इस लाइन को क्या कर दो, कट कर दीजिए। जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी उसको वन पॉइंट पे रख के हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब उसको हम जीरो पॉइंट से मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं, जीरो से। ये जीरो पॉइंट से मिला दिया बच्चों। तो देखो बच्चों यहां से यहां तक वन क्या है, बेस है, और यहां से यहां तक कितना है, वन परपेंडिकुलर है आपके पास, और यहां पे ये रूट टू आ गया। ठीक है, अब वही तरीका, रूट टू को नंबर लाइन पे क्या करना है, लोकेट करना है सबसे पहले। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को मेजर कर लिया, ये बिल्कुल सही लेंथ है। ठीक है बच्चों, देख सकते हो आप हमारे पास बिल्कुल सही लेंथ है। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास रूट टू की लेंथ देखो बच्चों, बिल्कुल सही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब बच्चों हम जीरो पॉइंट पे रख के, जीरो पॉइंट पे रख के हमने क्या कर दिया, हमने उस नंबर लाइन को कट कर दिया, ये कट कर दिया। ठीक है, तो जहां पे कट कर रहे हैं बच्चों वो हमारा क्या है, रूट टू नंबर लाइन पे लोकेट। लेकिन हमें रूट थ्री करना था, तो रूट थ्री कैसे करोगे बच्चों, इधर आ जाओ। रूट थ्री के अंदर रूट टू क्या था, रूट टू बेस था, यहां पे क्या था, बेस, और वन क्या था, परपेंडिकुलर। तो वन तो परपेंडिकुलर है,
ध्यान से देखो, वन तो परपेंडिकुलर आपके पास हाइट है, लेकिन वो भी कर देंगे दोबारा, ठीक है, अभी नहीं होगा, लेकिन इसमें रूट टू बेस करना है, तो रूट टू ये हमारे पास अब जो है ना, ये रूट टू जो हमारे पास अब फिलहाल दे रखा है, ये क्या कहेगा, ये बेस होगा आपकी बार, क्या होगा, बेस किसके लिए, रूट थ्री के लिए। तो देखो बच्चों ये बेस है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ध्यान से देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रकार से इस पॉइंट पे रख के क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे। आपने ऐसे आर्क लगा दी बच्चों, आर्क लगा के आप इस पॉइंट पे रखे क्या करोगे, उस आर्क को काटोगे, काट दिया, अब फिर उस कटी हुई आर्क पे आप रखोगे और आपने उस आर्क को सीधा ऐसे खींच दिया, खींच दिया बच्चों। अब आपने इस आर्क पे रखे क्या कर दिया, उसको उस आर्क को काट दिया, उस आर्क को क्या कर दिया, काट दिया। बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने इस पे रखे, इस पॉइंट पे रखे, सबसे पहले देखो मैंने ये इस पॉइंट पे रखे, मैंने यहाँ पे एक ऐसी आर्क लगाई, लगाई बच्चों आपको मैं पेन से बताता हूँ, मैंने इस पॉइंट पे प्रकार को रखे, मैंने एक आर्क लगाई, ठीक है। तो रूलर की हेल्प से मतलब हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रखे बच्चों एक आर्क ये लगाई, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखे हमने एक आर्क ऐसे लगा दी, फिर बच्चों हमने इस पॉइंट पे रखे इस आर्क को काट दिया। अब जहां पे कट हो गया ना, आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींच दोगे बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमने एक लाइन स्ट्रेट कर दी आपके सामने बच्चों, ध्यान करके देखो, ठीक है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं करोगे इसमें, ठीक है। अब देखो हमें क्या कहा था कि हमारे पास बच्चों रूट टू क्या है, बेस, तो रूट टू हमने बेस ले लिया, देखो ये हमारा बेस ही है, ये हमारा बेस है। अब वन है वो क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब हाइट आपके पास वन होनी चाहिए, तो आ जाओ बच्चों आप वही वन सेंटीमीटर प्रकार को नाप लीजिए, मतलब आपने वन लेना है तो आपको वन लेना है बच्चों, ये देखो हमने वन ले लिया बच्चों, ये वन बिल्कुल स्ट्रेट आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे रखे, इस पॉइंट पे रखे हमने परपेंडिकुलर रखा था, तो इस पॉइंट पे रखे हमने वन सेंटीमीटर क्या लेनी है, हाइट लेनी है, तो ये वन सेंटीमीटर हाइट होगी बच्चों। अब देखो यहां से यहां तक बच्चों ये क्या होगी, वन सेंटीमीटर आपके पास हाइट होगी, और रूट टू हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे बेस हो गया, ये वन सेंटीमीटर देखो, ये रूट टू हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे बेस और वन सेंटीमीटर क्या होगी, हाइट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जीरो पॉइंट जो हमारे पास जीरो पॉइंट था उसको हम जहां पर हमारे पास पॉइंट कट किया था, इसको जीरो से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिला दिया बच्चों। तो अब जो हमारे पास मिलाया है ये बच्चों की आ गया रूट थ्री आ गया, ठीक है, ये रूट थ्री, ये वन और ये रूट टू, तो मतलब इसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ठीक है। अब बच्चों देखो इतना करने के बाद में आपको लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या कही थी, कि रूट थ्री को किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे, भाई क्वेश्चन क्या था, रूट थ्री को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो रूट थ्री को नंबर लाइन पे दिखाने की बारी आ चुकी है। आप क्या करोगे, हमारे पास इस पॉइंट पे रखिए, रूट थ्री की डिस्टेंस को आप नाप लीजिए, देखो बच्चों ऐसे नाप लियोगे, और ऐसे नापने के बाद में जो हमारे पास नंबर लाइन है, जो हमारे पास नंबर लाइन है आप उसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हो कहां पे कट हो रही है, हमारे पास इस पॉइंट पे कट हो रही है, तो हमारा ये पॉइंट क्या है, रूट थ्री, तो हमें रूट थ्री दिखाना था लोकेट लाइन पे, तो रूट थ्री हमारा हो चुका है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक्स।